हैं, मैं अंजलि मुद्गल आपके साथ बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, पटल पर रखा गया। मुख्यमंत्री के बजट से संबंधित निष्पादन बजट पेश किया गया, मुख्यमंत्री सीजी लोक सेवा आयोग का 21वां प्रतिवेदन पेश किया गया। ब्रह्ममोहन के बयान के बाद सदन में हंगामा हो गया, धर्मलाल ने स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा उठाया, 600 करोड़ का मुद्दा पक्ष विपक्ष में हंगामे के बीच देखने को मिला, रेबीज इंजेक्शन की भी इस दौरान एंट्री हो गई, तीखे वार एक दूसरे पर किए गए सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। आज तीसरे दिन, आज विधानसभा की कार्यवाही का तीसरा दिन है। 1 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया और 6 मार्च को सीएम बघेल राज्य का बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट सत्र अपने आप में खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में बजट में किन बड़ी बातों का ऐलान किया जाता है सरकार की तरफ से, कैसे कोशिश रहती है सरकार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की बजट के माध्यम से, ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि पहले दिन से ही जो तीखी वार पलटवार है, आरोप प्रत्यारोप वो देखे जा रहे हैं, हंगामा देखने को मिल रहा है सदन के भीतर। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 1 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और आज तीसरे दिन आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया गया। मेरे साथ दीपक विश्वकर्मा सीधे जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ज्यादा ले लेते हैं। दीपक, तीसरा दिन आज विधानसभा की कार्यवाही का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बड़ी बातें रही, साथ ही साथ ये भी बताइए इस बार का बजट सत्र कितना अहम है क्योंकि चुनावी साल है ये। बजट सत्र की यदि बात की जाए तो वो इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार चुनावी वर्ष में जा रही है, सरकार चुनाव में जाएगी और 6 महीने से भी कम का समय बचा है जब सरकार चुनावी समर में कूद जाएगी, तो उन तमाम योजनाओं का अमलीजामा पहनाना, उन तमाम योजनाओं के बारे में जिक्र करना, उन तमाम योजनाओं के बारे में बात करना जो सीधा जनता से जुड़ी हो, जो चुनाव में लाभ दिला सके, योजनाएं सरकार और सीधा सीधा जनता को कनेक्ट कर सके। 5 संभाग आते हैं छत्तीसगढ़ में, यदि बात की जाए तो बस्तर का अलग परिदृश्य है, बात की जाए सरगुजा का अलग परिदृश्य, बात की जाए बिलासपुर का अलग परिदृश्य, यदि इन 5ों को समझा जाए तो इसके लिहाज से बजट तैयार किया जाएगा, 6 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह की स्थिति सदन में बन रही है लगातार आज तीसरा दिन है और तीनों दिन हंगामा हुआ है, और हंगामा ऐसा वैसा नहीं होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खड़े हो जाते हैं, दोनों बोलने लगते हैं, दोनों अपनी बात कहना चाहते हैं, दोनों ये बताना चाहते हैं कि आप गलत हैं और आप गलत हैं। यदि बात की जाए, आज अजय चंद्राकर ने एक सवाल लगाया कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है उसमें क्या जो लोग जीत रहे हैं, जो लोग प्रथम आ रहे हैं, क्या उनको नौकरी दी जाएगी, क्या इसका कोई प्रमाण है, आप किस आधार पर इसको करा रहे हो। तो सीधा सीधा जवाब देना था खेल मंत्री उमेश पटेल को, लेकिन जवाब दे रहे थे बीच में खड़े होकर अमरजीत भगत ने सीधा सीधा कह दिया, आप लोग तो छत्तीसगढ़िया को पसंद ही नहीं करते, आप तो उनसे बात ही नहीं करते, आप तो उनकी चर्चा ही नहीं करते, आप तो छत्तीसगढ़ियों, आप तो आदिवासियों के खिलाफ हैं। इसको लेकर सदन में हंगामा हो गया। अजय चंद्राकर ने कहा कि मैं जो पूछ रहा हूँ, जो मैं जानना चाह रहा हूँ, उसके इतर आप लोग सब बात कर रहे हैं, लेकिन आप ओलंपिक के बारे में जो सवाल पूछा गया उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं कि मैं विरोध करता हूँ, ये कोई जवाब है। इसको लेकर वो नाराज हो गए और उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद तमाम ऐसे सवाल लगे थे सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से, जिसको लेकर सदन में हंगामा हुआ, और हंगामा इस कदर बढ़ा कि आपस में तू-तू मैं-मैं की नौबत फिर आज सदन में खड़ी हो गई। उसके इतर यदि बात की जाए, जो मौजूदा स्थिति सदन में बन रही है, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा
कहा कि कल आप ही की सरकार ने कह दिया कि रेबीज के इंजेक्शन मंगा लिए हैं और जिस ओम का उच्चारण कर रहे थे आपने उस उच्चारण को किसका उच्चारण बताया, रात में जो कुत्ता उच्चारण करता आपने उसके बारे में बताया और आपने कह दिया कि रेबीज के इंजेक्शन लगवा दिए मंगवा लिए इन सबको लगवा दीजिए, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप सदन में स्थिति क्या पैदा करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार जो सदन की स्थिति है, जो सदन की कार्यवाही है, आज तो ये स्थिति ये तक आ गई कि बृजमोहन अग्रवाल को ये कहना पड़ा कि चेयर को फटकार लगाई जाती है, अध्यक्ष को फटकार लगाई जाती है। तो इस तरह की जो स्थिति सदन में उपज रही है, इससे ये समझा जा सकता है कि चुनाव सामने है और चुनाव से पहले जो सदन लगाया जा रहा है, सदन के भीतर जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस तरह की स्थिति उपज रही है, उससे ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में 14 बैठकें होनी है, 24 तारीख तक सदन चलना है, 6 तारीख को बजट पेश होना है। क्या ये सदन शांतिपूर्ण चल पाएगा, क्या इसका कोई समाधान निकल पाएगा या कुछ हो पाएगा, ऐसा शायद ही लगता है, क्योंकि आज तीसरे दिन भी जिन मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ, जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिन मुद्दों को लेकर वाद विवाद हुआ, तीन बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में ये सदन और हंगामेदार हो सकता है। बिल्कुल, पूरा हंगामा पहले दिन से ही देखने को मिल रहा है। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, 6 तारीख को सीएम बघेल बजट पेश करेंगे, 24 तारीख तक पूरी जो कार्यवाही है वो चलेगी, लेकिन हंगामा पहले दिन से ही जबरदस्त। ऐसे में जनता ये जानना चाहती है दीपक, कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो रही है या आपस में ही वार पलटवार हो रहे हैं? क्या कोई मुद्दा ऐसा तैयार किया है विपक्ष ने या उठाया है जो जनता से जुड़ा हो, जो राज्य की समस्या से जुड़ा हुआ हो? क्या इसको लेकर क्या कोई सवाल किया गया है सत्ता पक्ष के विधायकों से? देखिए, सदन में कहा जाता है, और सदन चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राज्य की विधानसभाएं हो, कहा जाता है विपक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, विपक्ष के लिए सबसे ज़्यादा जरूरतमंद होता है, विपक्ष को आवाज़ उठाने का मौका मिलता है। यदि बात की जाए प्रश्नकाल, प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, प्रश्नकाल में उन मुद्दों की चर्चा की जाती है जो आपके जिले, गाँव, मोहल्ले, कस्बे, पंचायतों में जो समस्याएँ हैं, जो जन सरोकार से जुड़ी हुई है, जहाँ कोई कमी है, जहाँ कुछ काम होना है, जहाँ कुछ सुधारा जाना है, जहाँ कोई डिमांड करनी है, इन तमाम तरह की चीज़ों को डिमांड किया जाता है। लेकिन आप मानिए, घंटे भर के प्रश्नकाल में, 11 से 12 चलने वाले प्रश्नकाल में आधे आधे घंटे से ज़्यादा तो हंगामा हो जाता है। हंगामा भी उन चीज़ों पर जो चीज़ें औचित्यहीन है, हंगामा भी उन चीज़ों पर जिनका कोई वजूद नहीं है। एक घंटे के प्रश्नकाल में सिर्फ और सिर्फ 4 सवाल हुए हैं आज, और इससे पहले भी 2 दिनों की बात की जाए तो प्रश्नकाल के भीतर 2 या 3 सवाल हुए, कहीं कहीं 5 सवाल हुए, किसी दिन 6 सवाल हुए। तो ये समझा जा सकता है कि जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरह का हंगामा हो रहा है, ये हंगामा देख के ये समझ आ रहा है कि जिन जनहित के मुद्दों की बात करने के लिए लोग आए हैं, जिन वजहों से चुना गया है इन जनप्रतिनिधियों को, वो काम ये सदन में कर भी रहे हैं या फिर सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा ये जो पूरा सत्र है। बजट की अगर बात करें दीपक, तो बजट 6 तारीख को पेश किया जाना है सीएम की तरफ से। बजट को लेकर जनता जनार्दन की, छत्तीसगढ़ की क्या उम्मीदें हैं सरकार से, चूंकि आखिरी बजट भी है ये सरकार का, इसी साल चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में क्या चुनावी बजट होगा और जनता की क्या उम्मीदें? देखिए, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि इस बजट में चुनाव से संबंधित कुछ ना हो। इस बजट में चुनाव से संबंधित बहुत कुछ होगा, क्योंकि भूपेश 2.0 की तैयारी में है पूरी कांग्रेस, और जिस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिस तरह से गांव गरीब किसान की बात की जा रही है, जिस तरीके से ग्राम स्वराजी की बात की जा रही है, जिस तरीके से गौमूत्र की खरीदी हो रही है, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं भूपेश सरकार की जिसको लेकर कांग्रेस ने 3 दिन के अधिवेशन में भी प्रचारित किया, तमाम ऐसी योजनाएं जिनको छत्तीसगढ़ मॉडल बताकर पूरे देश में पेश करने की कवायद हो रही है। इन 9 राज्यों में जो इस साल चुनाव होने हैं, 3 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, 6 राज्यों के चुनाव बाकी हैं, 2024 में मार्च में लोकसभा का चुनाव है, तो पूरी की पूरी जो कवायद है वो यही है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को किस तरीके से प्रचारित और प्रसारित करना है। अब इसके इतर यदि समझा जाए तो जो बजट पेश होना है, उस बजट में छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर कुछ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर तमाम चीज़ें होंगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो योजनाएँ हैं और जो घोषणाएँ
बनाए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जो भेंट मुलाकात के दौरान की है गाँव में, कस्बों में जाके, चाहे वो आत्मानंद स्कूल हो और चाहे तमाम दूसरी योजनाएं हो, तो उसकी झलक, उसका परिलक्षण उस बजट में जरूर दिखाई देगा, क्योंकि आपको चुनाव में जाना है। आपने घोषणाएं की थी, अब आप जनता के बीच में जाएंगे। जब आप अपनी बात रखेंगे, जब आप जनता से चर्चा करेंगे, तो आपको ये बताना और पूछना दोनों पड़ेगा कि आपने ये कहा था ये क्या वाकई हो गया, हमने ये कहा था ये हो गया है, ये और करना है, हमने जो वायदे किए थे पूरे कर दिए, आप हमें दोबारा मौका दीजिए, हम दोबारा करेंगे। तो ये समझा जा सकता है जो बजट होगा वो बजट जरूर लोक लुभावन होगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो पूरे देश में मात्र और मात्र 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और इस साल 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर दोबारा चुनाव होने, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो ऐसी कोई कोर कसर ये सरकार नहीं छोड़ना चाहेगी जिसमें कोई चूक हो जाए, जिसमें कोई कमी हो जाए। आज सदन में एक और एम्स की भी मांग की गई, बिलासपुर से विधायक हैं शैलेश पांडे, उन्होंने कहा कि बिलासपुर में एक एम्स होना चाहिए, क्योंकि ये बिलासपुर संभाग है जो सरगुजा और बहुत लंबी बेल्ट को छूता है। तो इसको लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री का जवाब आया, उन्होंने कहा मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र प्रेषित कर दिया है, उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया है कि आपका पत्र मिला है, आगे किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया। तो उम्मीद यही की जा रही है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि यदि दूसरा एम्स खुले, यदि एम्स खुलने की बात आए तो वो एम्स बिलासपुर में खुले, हम ऐसी उम्मीद जता रहे हैं। तो समझा जा सकता है इक्के दुक्के सवाल जरूर लगाए गए, लेकिन जिस तरीके से हंगामा हो रहा है और जिस तरीके से जनता की जो गाड़ी कमाई है, जो लगी हुई है, उस जनता की गाड़ी कमाई का कितना सदुपयोग ये सदन कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब 3 दिन बीत गए। क्या बजट से उम्मीदें हैं, कैसा, किस प्रकार का ये जो पूरा बजट है वो रहने वाला है? इसके अलावा अगर हम बजट के अलावा बात करें तो और कौन कौन से जो बिल्स हैं वो एजेंडे में हैं सरकार के, जो इस बार रखे जाएंगे इस सत्र में? देखिए, तमाम जो बात की जाए, विश्वविद्यालयों के संशोधन विधेयक थे उनको पटल पर रख दिया गया, अनुपूरक सप्लीमेंट्री जो बजट है सरकार ने उसको पास करा लिया है, 4,100 करोड़ के आसपास का बजट है उसको पास करा लिया गया। अब सबकी निगाहें बजट पर होगी, बजट सत्र है, बजट सत्र के भीतर क्या कुछ वाद विवाद है, किस तरह की स्थिति, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी विधायक सदन में मौजूद हैं उन सबके लिए ये आखिरी सत्र है। अब जब नई विधानसभा लगेगी, नई सरकार के फॉर्मेशन के बाद, चाहे वो भूपेश बघेल की सरकार हो, चाहे वो दूसरी सरकार हो, जब नई सरकार लगेगी नए फॉर्मेशन के साथ, तो सवाल यही खड़ा होता है कि अब जो मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में सरकार जिस एजेंडे पे चल रही है, क्योंकि सरकार का एक ही उद्देश्य है, सरकार का एक ही ध्येय है कि किस तरीके से जो मौजूदा सरकार है वो रिपीट हो, मौजूदा सरकार दोबारा आए, तो उसको लेकर एक रणनीति, एक खाका, एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उसी रोड मैप के जरिए अब जो मौजूदा स्थिति में बजट पेश किया जाएगा, उस बजट के भीतर उन तमाम चीज़ों की चर्चा की जाएगी, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी, उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जाएगा कि हाँ, आने वाले समय में जो बजट पेश किया जाना है वो छत्तीसगढ़ के गाँव, गरीब, किसान, छत्तीसगढ़ की स्वराजी योजनाएं, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, इन 5 संभागों को कैसे साधा जाए। यदि राजनीतिक समीकरण के हिसाब से समझा जाए तो 12 सीटें हैं, 12 सीटें हैं आपके बस्तर में। छत्तीसगढ़ में कहावत है, यदि आपने बस्तर जीत लिया तो आपने छत्तीसगढ़ का सिंहासन जीत लिया। 14 के आसपास सीटें सरगुजा संभाग में, 4 सीटें रायपुर में हैं, उसके इतर यदि बात की जाए तो बिलासपुर से डिवीज़न की 24 के आसपास सीटें, तो इनको किस तरीके से साधा जाए, क्योंकि 72 सीटें मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास है। आपको रिपीट कैसे करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको नई लाइन कैसे खींचनी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर अब तैयारी। और जब 6 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेपरलेस, देखिए पहली बार है, सरकार का आखिरी काल है, आखिरी कार्यकाल में सरकार इस बार डिजिटल बजट पेश करेगी, तो डिजिटल बजट से कितना डिजिटल छत्तीसगढ़ होगा, इसके ऊपर भी सबकी निगाहें होंगी। ठीक है दीपक, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।